शिवलिंग पर अर्पित करने हेतु बेलपत्र और जल तक पहुंचने की शक्ति भी शेष नहीं है शरीर में। परिपूर्ण ये दृश्य, जो कोई भी इसका साक्षी होगा जन्मों जन्मों के लिए धन्य हो जाएगा। प्रतीत होता है कि आज तक सृष्टि पर आए प्रत्येक कष्ट की क्षतिपूर्ति ही नहीं, आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति का मार्ग खुल गया है। तुम्हें नितांत एकाकी जीवन जीने को विवश कर मैंने बहुत प्रताड़ित किया है पार्वती, किंतु तुम्हारे कष्ट के हर पल की अनुभूति मुझे भी होती थी। तुमको प्रतीक्षारत रखते हुए स्वयं को तुम्हारे मिलन से वंचित रखा, किंतु तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के पश्चात इसी क्षण में तुम्हें स्वीकार करता हूं। महादेव कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है। ये तुम पूछ रही हो पार्वती कि प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं पार्वती, तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर नहीं था। क्या इन
इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? भविष्य में तुम अपने स्वरूप की विविधता से प्रेम के नए नए रूप परिभाषित करोगी। कौन से स्वरूप महादेव? कृपया उनका उल्लेख कीजिए। जब जब अन्नपूर्णा के स्वरूप में तुम मेरी शुदा को बिना किसी प्रतिबंध के शांत करोगे, या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करोगे, तो वो प्रेम की अनुभूति ही होगी। पार्वती, जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आवाज दिलाओगी कि मैं तुम्हारे योग्य हूं, जब तुम मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लोगे, वही तो प्रेम होगा पार्वती। मैं तुमसे आज ही विवाह करूंगा। तुम मेरी अर्धभागिनी हो। कैलाश पर हमारे भक्त और हमारे गण हमारे गृहस्थ जीवन को आरंभ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो पार्वती, समय आ गया है। हम आपके साथ कैलाश नहीं चल सकते। नहीं आरंभ कर सकते गृहस्थ जीवन। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। पार्वती, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? यदि ऐसा होता तो तुम इतनी कठोर तपस्या नहीं करती। हमने तो अपनी तपस्या से आपको पा लिया महादेव, अब आपकी बारी है हमें पाने की। आपको भगवान के रूप में नहीं, हमारे पति के रूप में हमारे पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना होगा और उनकी स्वीकृति के पश्चात ही ये विवाह संभव होगा। मैं प्रेम भाव को समझता हूं, प्रेम की गरिमा को समझता हूं, प्रेम के महत्व का बोध भी है मुझे। किंतु पार्वती, जिन औपचारिकताओं का तुम उल्लेख कर रही हो, मैं वैरागी उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वैराग्य से सांसारिक जीवन की यात्रा प्रारंभ करने हेतु इन औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्य है महादेव। इसे पार कर ही आप हमें पा सकते हैं। किंतु मैं तो तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं पार्वती। हमारे माता पिता किसी भी पुत्री का विवाह नहीं कर पाए, एक भी पुत्री को विदा करने का सुख नहीं प्राप्त हुआ उन्हें। हमारी इच्छा है कि उनका यह स्वप्न हम पूर्ण करें, और यह तभी संभव होगा जब यह विवाह उनकी स्वीकृति और आशीर्वाद से संपन्न हो। अर्थात तुम्हारी कठोर तपस्या से भी कठिन कार्य करना है मुझे। प्रेम भाव समझाने वाले कठिन और सुगम की चिंता कब से करने लगे? पार्वती।
आपकी प्रतीक्षा करेंगे। महादेव, आपने देवी पार्वती को स्वीकार कर इस सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार किया है। न जाने कितने कल्पों के हमारे प्रयास को आज आपने आदि शक्ति को पार्वती रूप में अपना कर हमें धन्य कर दिया है। महादेव, महादेव, अब चलिए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कैलाश के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मुझे एक दायित्व की पूर्ति हेतु कहीं और जाना। देवी रति के साथ न्याय करने, उन्होंने घोर तपस्या से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अंततः संसार को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। नारायण, नारायण, नारायण। महादेव, आप आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, मुझे केवल मेरे स्वामी कामदेव चाहिए। स्वामी, स्वामी, स्वामी। तारकासुर के आदेश का पालन नहीं करना चाहता, बोलो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम असुरों के नाम का ही भविष्य देंगे। तो बोलो तारकासुर की जय। जय तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। जय असुरराज। जय। Ha 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 ha!